नमस्कार, मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लाइज को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देखना आ जाएगी। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर मेष लग्न के आप जातक और जातिका हैं और आप, हम बताने की कोशिश करेंगे कि क्या आपका मुख्य ग्रह है, आपके कौन से इष्ट देवता है और भाग्योदय का कौन सा वर्ष हो सकता है। तो ये सब जानकारी के लिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर मेष लग्न के जातक हैं आप, तो आपको ये देखना है कि अगर लग्न, हम हमेशा बोलते हैं कि लग्न हमेशा मजबूत होना चाहिए। लग्न अगर मजबूत होगा तो आपको कुंडली मजबूत हो जाती है। लग्न कमजोर हो जाने से पूरी कुंडली कमजोर हो जाती है। तो हमें लग्नों को हमेशा हम बात करते हैं, जब भी वीडियो बना रहे हैं तो ये बताने के, जो भी और पुराने हमारे वीडियो देखोगे तो हम हमेशा बोलते हैं कि आपका लग्न और लग्न भाव और लग्न लग्नेश, जैसे यहाँ पे एक लग्न है, एक नंबर के राशि है, इसका स्वामी हुआ मंगल। तो मेष पहला भाव जो है लग्न भाव है, ये लग्न भाव मजबूत होना चाहिए और लग्न का स्वामी मजबूत होना चाहिए। अगर वो लग्न का स्वामी और लग्न अगर कम अंशों में है, या लग्न का स्वामी आपकी कुंडली में 6, 8, 12 में बैठ जाता है, जैसे यहाँ 8वें भाव में बैठा है, उन पे पाप प्रभाव हो और इस तरह से उस पे, जैसे यहाँ शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, ये 7वीं 8वीं 9वीं दृष्टि, ये राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो मंगल कमजोर हो गया है। तो अगर आपका मंगल कमजोर हो जाता है, मतलब लग्न भाव का स्वामी लग्नेश कमजोर हो गया, तो लग्न और लग्नेश पे अगर वो ऐसे पाप प्रभाव होंगे तो आपका लग्न कमजोर हो जाता है। तो उसको मजबूत होना चाहिए। अगर लग्न मजबूत होगा तो आपको हर तरह की जो कुंडली भी मजबूत होती है, तो अगर लग्न की स्थिति को कुंडली में केंद्र त्रिकोण में उच्च की शुभ राशि में अगर होती है तो मित्र राशि में होती है तो वो मजबूत कहलाता है। परंतु जिस तरह से अभी हमने बताया, इस तरह की अगर स्थिति बन रही है, लग्नेश लग्न और लग्नेश कमजोर है, तो आपको क्या करना चाहिए कि मेष लग्न के जो जातक है, इनके जो जो इष्ट आपके जो अधिपति देवता होंगे, अलाने लग्न के मेष लग्न के मंगल के जो आपके देवता होंगे, वो आपके होंगे हनुमान जी होंगे। तो हनुमान जी के आपके देव हो गए, तो हनुमान जी के आपको उपासना करना चाहिए, तो वो लग्न मजबूत होता है। तो किस तरह से लग्न को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि लग्न के जो अधिपति बने हैं यहाँ पे हनुमान जी बने हैं, तो हनुमान जी की हमें आराधना करना चाहिए। उनके मंत्रों के जाप, हम मंत्र की भी बात करते हैं, मंत्र जाप करने से भी उसका होता है, या फिर हनुमान मंदिर जाके आपको उनको चोला चढ़ा सकते हैं, उनको मिष्ठान जो जैसा पुजारी बताए वैसा आप उनकी आराधना करना चाहिए, उपासना करना चाहिए। तो मंगल को और मजबूत करने के लिए आपको जो इसका कलर जो है लाल रंग का रुमाल आप हमेशा अपने पास रखना चाहिए, जिससे कि लाल रंग का अगर प्रभाव जो रहता है वो अच्छा रहता है। अगर हो सके तो आपको तांबे का कड़ा पहनना चाहिए, दाहिने हाथ में तांबे के कड़ा है, या आपकी जो अनिंग की उंगली है उसमें तांबे की अंगूठी पहनना चाहिए, तो रिंग पहनना चाहिए, जिससे कि आपका मंगल मजबूत होता रहेगा। आपको चाहते हैं तो मंगल का व्रत भी करना चाहिए। इस तरह से मंगल ग्रह को आप मजबूत कर सकते हैं, जिससे कि आपका लग्न और लग्नेश दोनों मजबूत होगा। तो इस तरह के प्रभाव होना चाहिए। तो इसके बाद में हम देखेंगे कि आपको जो इसी लग्न में जो इष्ट देवता के लिए हम पंचम भाव को देखते हैं। यहाँ पे पंचम भाव का जो स्वामी बनते हैं सूर्य, तो आपको सूर्य आपके आराध्य देव हो गई, तो सूर्य की आराधना करना चाहिए, सूर्य के मंत्रों के जाप करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए। और इसके बाद में हम देखेंगे भाग्योदय का जो ये वर्ष आएगा, वहाँ पे 9 नंबर की आपकी राशि है, 9वें भाव में धनु राशि है, उसका स्वामी बनता है गुरु। तो गुरु जो ग्रह है उसका जो आपका इस लग्न के लिए गुरु है, भाग्य का स्वामी है,
तो यहाँ पे गुरु का और जो भी है इनका भाग्योदय का जो साल बहुत जल्दी स्टार्ट होता है ना, 16 वर्ष से इसका भाग्योदय होना शुरू हो जाता है। 16 वर्ष में लगते से ही इसका भाग्योदय हो जाता है शुरू, तो 16 वर्ष के बाद में आपका भाग्य 16 वर्ष और 16 वर्ष के बाद में आपका भाग्योदय होगा। अगर आप अभी 16 वर्ष के होने जा रहे हैं तो आपका भाग्योदय होने का समय आ गया है। इस तरह से आपने देखा कि मेष लग्न के जो जातक हैं उनको जो भी है रविवार का व्रत भी कर सकते हैं, बृहस्पतिवार का व्रत भी कर सकते हैं, यहाँ पे विष्णु पूजन भी कर सकते हैं आपको। और इस तरह से हमने बताया, अगर इस तरह से आप अपने लग्न भाव को मजबूत करें, अपने इष्ट की आराधना करें और भाग्य के लिए आपको विष्णु जी की आराधना करेंगे, इस तरह से आप मेष लग्न के जो जातक हैं अपना भाग्य भी मजबूत कर सकते हैं, लग्न को मजबूत कर सकते हैं। और इष्ट देव की जब हम आराधना करते हैं तो हमारी जितनी भी मनोकामना है वो पूरी होती है। तो आप सूर्य जो है पिता का कारक है, तो पिता से भी अच्छे संबंध रखना चाहिए। यहाँ पे भी देखेंगे लग्न का स्वामी मंगल है, तो आपको अपने भाई बहनों भाई से जातक छोटे भाई से अच्छे संबंध रखना चाहिए, जिससे कि आपका मंगल बलवान हो सके। तो हमने देखा कि लग्न को मजबूत करने के लिए आपको हनुमान जी की इनके जो भगवान बनते वो अधिपति बनते वो है हनुमान जी, तो उनकी आपको आराधना उपासना करना चाहिए। आपको लाल रुमाल रखना चाहिए, आपको तांबे की अंगूठी या कड़ा पहनना चाहिए, जिससे कि आपका मंगल मजबूत हो सके। और आपका भाग्य के लिए 16 वर्ष है, अगर आप 16 वर्ष के हो गए तो आपका भाग्योदय होने का समय आ गया, क्योंकि ये आपका भाग्य के स्वामी या गुरु बनता है, तो 16 वर्ष और 16 वर्ष के बाद में भाग्योदय होता है। तो आज हमने एक संक्षिप्त जानकारी दी आपको कि किस तरह से आपके लग्न को मजबूत किया जा सकता है, और लग्न के मजबूत होने से साथ साथ में आपका इष्ट देव का आराधना कर सकते हैं। और जब भी आपका भाग्योदय का समय आया है तो आप उसका भरपूर उसका आप फायदा उठा सकते हैं। आपका भाग्य उस टाइम पे अच्छा रहता है, आपको सभी तरह का भाग्य के थ्रू जो भी फल मिलना चाहिए वो प्राप्त होता है। तो आज हमने आपको जानकारी दी कि अगर आप मेष लग्न के जाता है कहें जहाँ 1 नंबर की राशि है, जहाँ लग्न लिखा है वहाँ 1 नंबर की अगर राशि है, तो आप मेष लग्न के जातक है और आपका जो स्वामी बनता है वो मंगलदेव बनता है। तो और उन मंगल के मंत्र का जो है वो ओम अंगारकाय नमः का भी आप पाठ कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, 108 बार कर सकते हैं, प्रतिदिन कर सकते हैं। तो और हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। इस तरह आपने देखा कि अगर आप मेष लग्न के जातक हैं तो आपको आज हमने जानकारी दी कि आपको लग्न और लग्ने लग्न भाव और लग्न भाव को स्वामी को मजबूत कैसे करना चाहिए। हमने बताया कि आपके इष्ट देव यहाँ पे शिव रिटायर आपके भाग्यदेव का स्वामी गुरु है, जो 16 वर्ष में आप भाग्योदय कराता है। तो ये संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया। आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने मेरा वीडियो देखा, लाइक किया, शेयर किया, और अगर आप टेलीफोन से परामर्श प्राप्त करना चाहते हो तो मामला दक्षिणा दे के आप टेलीफोन से परामर्श भी प्राप्त कर सकते हो। तो फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए।